Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher, and today I am going to teach you maths of class 2nd. And today we do practice work of chapter 6. And today we do question number 2. So let's start. Question number 2. Divide and fill in the blanks. क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें हमें डिवाइड करना है और जो आंसर है उसे हमें इस बॉक्स में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 18 डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइड का साइन है। तो देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, 2। तो हम बच्चों 2 का टेबल पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे कब तक, जब तक 18 नहीं आता। तो ये देखना है कि 2 के टेबल में 18 कितनी बार पढ़ने से आता है। तो चलिए हम 2 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। देखो 18 आ गया। तो कितनी बार पढ़ने से आया, 9। देखो यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ तक कितने हो गए, 9। तो इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 9। 2 9 जा, तो 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे। इसी तरह से ये है 24 डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 24 कितनी बार पढ़ने से आता है, तो चलिए 3 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। देखो आ गया 24। तो यहाँ पर 8 आया तो कितना हुआ, 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। इसी तरह से सभी करने हैं। 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे हम, 30 आ जाएगा। पढ़कर देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 6 टाइम्स, तो यहाँ 6 लिखेंगे। इसी तरह से अब हम इसको पढ़ना है। 36 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 36 कब आता है। तो देखो जब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे बच्चों, तो 4 9 जा 36 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। इसी तरह से ये है 42 डिवाइडेड बाय 6, जब हम बच्चों 6 का टेबल पढ़ते हैं, जब पढ़कर देखते हैं एक बार। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड 6 7 जा 42। देखो 42 आ गया, कितनी बार पढ़ने से आया, 7, 6 7 जा, यहाँ लिखेंगे 7। इसी तरह से ये 35 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 7 है, 7 का टेबल पढ़ेंगे। तो 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, तो बच्चों 35 आ जाएगा, 7 5 जा, 7 5 जा 35 होता है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। इसी तरह से इनको करना है। 40 डिवाइडेड बाय 8, यानी 8 का टेबल पढ़ेंगे। तो चलो पढ़कर देखते हैं 8 का टेबल कितनी बार पढ़ने से ये 40 आता है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो आया यहाँ 5। इसी तरह से 63 डिवाइडेड बाय 9, अब हमें बच्चों 9 का टेबल पढ़ना है। जब तक 63 नहीं आता तो कितनी बार पढ़ने से आएगा, चलो पढ़कर देखते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, तो कितना आया, 7।
इसी तरह से देखो 45 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें 5 का टेबल पढ़ना है, कितनी बार पढ़ेंगे हम, 45 आएगा। चलो पढ़कर देखते हैं। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40 और 5 × 9 = 45। तो कितनी बार पढ़ा टेबल, 9। तो यहाँ 9 लिखेंगे। इसी तरह से 24 / 6, तो बच्चों हम 6 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे। देखो 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 एंड 6 × 4 = 24। तो यहाँ लिखेंगे 4। तो आप बच्चों अगर इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप इनको टेबल पढ़ के यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।